नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं रघुवीर स्कूल का YouTube चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का एक नया ग्रामर चेंज द डिग्री पार्ट टू। आज हम जो ग्रामर सीखेंगे उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है जिसमें सेंटेंस में वन ऑफ द और डिग्री वाले वर्ड का सुपरलेटिव फॉर्म इस्तेमाल होता है। दूसरा टाइप है जिसमें द का इस्तेमाल होता है, उसके तुरंत बाद डिग्री वाले वर्ड का सुपरलेटिव फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। वन ऑफ द को सेंटेंस में से हटा दिया जाता है, डिग्री वाले वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म लिखा जाता है और देन मोस्ट अदर लगा जाता है, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं होता। दूसरे टाइप में जब सेंटेंस में द दिया होता है तो हम सेंटेंस को सेम टू सेम लिखते हैं, द को हटा देते हैं, डिग्री वाले वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म लिखते हैं, उसके तुरंत बाद देन एनी अदर लिख देते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, एक में मोस्ट अदर लगाते हैं और दूसरे में एनी अदर लगाते हैं। जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में वेरी फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है और जो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगी, आर या वेयर, क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब होता है कुछ, दो या दो से अधिक। जब सेंटेंस द से स्टार्ट होता है और जब हम उसे कंपेरेटिव पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होती है और जो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो इज या वॉज होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पर दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया और दूसरा एग्जांपल है मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, फिर मीनिंग को हम डिफरेंस देखेंगे। इसमें वन ऑफ द है और डिग्री वाला वर्ड है, इसमें द है और डिग्री वाला वर्ड है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम तो यहाँ पे डिग्री वाले वर्ड के तुरंत बाद देखिए नाउन आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए मेरी बात, डिग्री वाले वर्ड के तुरंत बाद नाउन होना चाहिए और अगर वन ऑफ द वाला है तो वो नाउन प्लूरल में होना चाहिए और अगर द वाला होगा तो वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम दोनों के मीनिंग में डिफरेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस कहता है वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, मतलब उसके जैसे और भी सिटीज हैं जो बड़े हैं मुंबई जैसे, और दूसरा कहता है द बिगेस्ट सिटी, इसका मतलब इसके जैसा बड़ा कोई भी नहीं है। अब हम आंसर को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। जैसा मैंने बताया हमेशा क्वेश्चंस में अंडरलाइन करना जरूरी है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहां से कहां तक चेंजेस बनाना है और कौन सा चेंजेस नहीं बनाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था मुंबई इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया क्वेश्चन के अनुसार, वन ऑफ द हटा दिया, बिगेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बिगर और देखिए मैंने बताया था डिग्री वाले वर्ड के तुरंत बाद देन मोस्ट अदर लगाने का जब सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट होता है, तो हमने देखिए देन मोस्ट अदर यहां पर लिख दिया, देन मोस्ट अदर और सिटीज ऑफ इंडिया दिया था वो हमने सेम टू सेम देखिए यहां पर उतार दिया सिटीज ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्या चेंजेस होंगे। मुंबई इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया, द हट जाएगा, बिगेस्ट की जगह हमने देखिए बिगर लगाया उसका कंपैरेटिव फॉर्म और जैसा कि हमने बताया था देन एनी अदर लगाना है तो हमने देखिए देन एनी अदर लगा लिया, एनी इसमें मोस्ट है यहाँ एनी है, बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज यहाँ सिटी ऑफ इंडिया है, हमने सिटी ऑफ इंडिया सेम टू सेम लिख दिया। इस तरह से हमने सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था जब सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द वाली होगी तो उसमें हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वेरी फ्यू, हमने देखिए यहाँ पे वेरी फ्यू लिख दिया। आपको ध्यान होगा पिछला ग्रामर हमारा पॉजिटिव से कंपेरेटिव या कंपेरेटिव से जब हम पॉजिटिव में
सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम पीछे वाले वर्ड को स्टार्टिंग में लिखते थे और स्टार्टिंग वाले वर्ड को लास्ट में ले जाते थे। ठीक वही हमें यहाँ पे भी करना है। जो अंडरलाइन वाला पार्ट है डिग्री वाले वर्ड के बाद सिटीज ऑफ इंडिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव डिग्री करते समय। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वाली, आर या वेयर, हमने यहाँ पर आर लगाया। अब आप सोच रहे होंगे आर क्यों आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वेरी फ्यू का मतलब होता है कुछ, कम से कम दो या दो से अधिक, और यहाँ देखिए सिटीज है, प्लूरल फॉर्म है, तो जिसके कारण हमें यहाँ पर प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, आर या वेयर। अब सेंटेंस प्रेजेंट वाली है इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया, अगर यहाँ वॉज होता तो हम यहाँ वेयर लिखते। अब आपको ध्यान होगा पॉजिटिव डिग्री में ढोलू और भोलू होते हैं, एज और एज, हमने यहाँ एज और एज लिखा और डिग्री वाले वर्ड बिगेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म लिख दिया बिग, और स्टार्टिंग में दिया है मुंबई, वो हमने यहाँ देखिए लास्ट में लगा दिया, और इस तरह से हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसमें मैंने बताया था जब द रहेगा तो हम जब उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नो अदर लगाएंगे, तो हमने देखिए यहाँ पे नो अदर लिख दिया। जो लास्ट में दिया है सिटी ऑफ इंडिया वो हमने देखिए सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई, इज, मैंने आपसे कहा था नो अदर के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज या वॉज। अब नो अदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, यहां देखिए सिटी सिंगुलर है जिसके कारण हमें यहाँ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी, तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब इज है, हमने इज लगाया। फिर वही ढोलू और भोलू पॉजिटिव डिग्री में, हमने एज और एज लिखा, बिगेस्ट का पॉजिटिव होता है बिग, वो हमने लिखा, स्टार्टिंग वाला लास्ट में चला गया। इस तरह से हमने सुपरलेटिव से कंपेरेटिव और पॉजिटिव बनाना सीख लिया, और सुपरलेटिव के दोनों टाइप्स को हमने सॉल्व करना सीखा, वन ऑफ द वाला और द वाला। मैं एक और एग्जांपल आपको सिखाना चाहूंगा, देख, सरोजनी नायडू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है अंडरलाइन करेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हमें सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो हमने सरोजनी नायडू वॉज को सेम टू सेम लिख दिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर, जैसा कि मैंने पहले बताया था वन ऑफ द रहेगा तो क्या लिखना है हमें याद करना है, दैन मोस्ट अदर, हमने देखिए यहाँ पे दैन मोस्ट अदर लिख दिया, वुमेन का वुमेन लिख दिया गया। इस तरह से हमने कंपेरेटिव में सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था जब वन ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे, वेरी फ्यू से, और लास्ट वाले वर्ड को स्टार्टिंग में ला देंगे, वुमेन। वेरी फ्यू है और वुमेन है, दोनों प्लूरल की बातें करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वॉज है, लेकिन हमने क्या लिखा, वेयर लिख दिया। पॉजिटिव में दो ढोलू भोलू होते हैं, हमने वो ढोलू और भोलू लिख दिया, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर बना दिया, सरोजनी नायडू को हमने लास्ट में लिख दिया। इस तरह से हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में भी सेंटेंस को चेंज कर दिया। दूसरा वाला टाइप देखते हैं, सरोजनी नायडू वॉज द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें फिर अंडरलाइन करना है, द ग्रेटेस्ट को हमने अंडरलाइन कर दिया, इसका हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, सरोजनी नायडू वॉज का सेम टू सेम लिखा, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर बनाया, और जैसा कि मैंने कहा था द रहेगा तो दैन एनी अदर लगाना है, तो हमने यहाँ पे दैन एनी अदर लिख दिया और वुमेन का वुमेन लिख दिया गया। अब हम इसका पॉजिटिव चेंज करते हैं, जब भी सेंटेंस द से स्टार्ट होगा, द रहेगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉजिटिव बनाते समय किससे करेंगे, नो अदर से करेंगे, वुमेन लास्ट में दिया है उससे हमने स्टार्टिंग में ला दिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, यहाँ पे भी हमें वॉज का ही इस्तेमाल करना है, क्यों, क्योंकि नो अदर का मतलब होता है कोई नहीं, जीरो, और वुमेन सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। पॉजिटिव में दो ढोलू भोलू, हमने एज और एज लिखा, ग्रेटेस्ट का ग्रेट बनाया और सरोजनी नायडू को हमने लास्ट में लिख लिया। इस तरह से हमने दो एग्जांपल सॉल्व करके सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना आसानी से सीख लिया। हमने आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।